हवा में जहर है, खौफ में शहर है, जिसे कहते हैं कुदरत, ये उसी का कहर है। सुप्रभात, आज मैं ईशु, कक्षा 9वीं की छात्रा, आप सभी के समक्ष एक हिंदी कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना वायरस को हराना है। आज मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सबको बताऊंगी कि आखिर इस कोरोना वायरस को कैसे हराया जा सकता है। यूं ही तो नहीं देश का राजा हाथ जोड़कर खड़ा होगा, यूं ही तो नहीं देश का राजा हाथ जोड़कर खड़ा होगा, यकीन मानो जरूर मुद्दा कोई बड़ा होगा। माना कि काली घनी रात है, लेकिन इससे लड़ने के लिए पूरा भारत एक साथ है। तेरी कोशिश मेरी कोशिश रंग लाएगी, तेरी कोशिश मेरी कोशिश रंग लाएगी, इस मौत के मैदान में जिंदगी जीत जाएगी, इस मौत के मैदान में जिंदगी जीत जाएगी। यूं बेमौत मरो ना, यूं बेमौत मरो ना, हार जाएगा कोरोना, जो सरकार कहती है वो करो ना, जो सरकार कहती है वो करो ना। ना सीने पे गोली खाने को बोला है, ना गंगा की धारा में बहने को बोला है, ना सीने पे गोली खाने को बोला है, ना गंगा की धारा में बहने को बोला है, इतना तो कर ही सकते हो ना, देशभक्ति के नाते घर में रहने को बोला है, देशभक्ति के नाते घर में रहने को बोला है। घर में खाली बैठे हो तो बात जरा ये सोचो, थोड़े से तो अपने सर के बाल नोचो, कि सड़कों पर अब ये कौन दिखाई देता है, इस सरफटने वाले शोर में एक मौन दिखाई देता है। मैं खुश हूँ कि आज अपनों के साथ हूँ, थोड़े दिन सुकून से परिवार के पास हूँ। हमें कोरोना वायरस को हराना है, देश को जिताना है, हमें कोरोना वायरस को हराना है, देश को जिताना है। हाथ धोने हैं पर हाथ किसी से नहीं मिलाना है, ऐसे ही हमें इस महामारी से खुद को बचाना है, ऐसे ही इस महामारी से खुद को बचाना है। अस्पतालों में जूझ रहे सब डॉक्टर इस वक्त इंसानियत के भगवान हैं, अस्पतालों में जूझ रहे सब डॉक्टर इस वक्त इंसानियत के भगवान हैं। खाकी वर्दी में निकले वीर सिपाही को हर हिंदुस्तानी का सलाम है, हर हिंदुस्तानी का सलाम है। हर नागरिक घर में बैठकर दे रहा योगदान है, हर नागरिक घर में बैठकर दे रहा योगदान है, फिर भी हौसला है मन में, क्योंकि मेरा भारत महान है, क्योंकि मेरा भारत महान है। देशों को नाज था अपने अपने परमाणु पे, देशों को नाज था अपने अपने परमाणु पे, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया एक छोटे से कीटाणु ने, एक छोटे से कीटाणु ने। धन्यवाद।